हेलो, एम आई ऑडिबल? हेलो यस हेलो। सर। यस सर। अच्छा, कुछ कुछ बच्चे आ रहे हैं, लोग आ जाने दो, ठीक है। उसके बाद जो है आज मेरा क्लास नहीं था, ये हम एक्स्ट्रा जो है ये बीच पे मंडे या ट्यूसडे को मेरा दिक्कत हो जाता है कि लगातार 3 पीरियड है सेकंड हाफ में, तो उसमें दिक्कत क्या हो जाता है कि आजकल रोज शाम में बादल उदल उठ रहा है, इसके चलते जो है क्लास लेने में लगातार 3 पीरियड दिक्कत है, तो उसको हम अभी ले लेते हैं, ठीक है। तो पिछला क्लास में जो हम लोग का हो गया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट थ्योरी एज वेल एज न्यूमेरिकल, एम आई राइट? हेलो, सर, योर वॉइस इज वेरी लो। जस्ट ए मिनट, दिस टाइम माय वॉइस इज क्लियर? यस सर। डिपेंड्स अपॉन टावर प्रॉब्लम, ओके। जस्ट ए मिनट, अभी ठीक है? देखो तो, हेलो सर अभी भी कम है। सर अभी भी कम है? परमेश्वर, आवाज ठीक है? हेलो, यस सर, आवाज सही है। सही है ना? यस सर, ठीक है आवाज। जी, अच्छा चलो ठीक है। तो पिछला क्लास में हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम मनोज सर को बता दिए हैं कि मॉड्यूल 1 हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है, लास्ट स्टेज में है, वो मॉड्यूल 2 से स्टार्ट करेंगे। मनोज सर जो है वहां से वो स्टार्ट करेंगे। मेरा जो रेस्ट पार्ट फर्स्ट मॉड्यूल जो उनको पढ़ाना था वो हम पढ़ा चुके हैं, जो भी लास्ट बचा हुआ है कॉम्पटन इफेक्ट, कॉम्पटन शिफ्ट, बोर्स मॉडल्स लाइक दिस, ये सब हम ही क्लियर कर देंगे, ठीक है, क्योंकि शुरू से पढ़ा दिए हैं तो अभी पूरा ही कर देंगे, आधा में छोड़ना ठीक नहीं है। तो नेक्स्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बाद आता है कॉम्पटन इफेक्ट, और इसी के बाद ठीक दिया है कॉम्पटन शिफ्ट। कॉम्पटन इफेक्ट ये साइंटिस्ट का पूरा नाम है प्रोफेसर A.H. कॉम्पटन। इनके स्टेटमेंट ये 1921 में इनका स्टेटमेंट था कि जस्ट मिनट इस डायग्राम में व्हेन द रेडिएशन ऑफ अनचेंज वेवलेंथ, ध्यान से समझना, द रेडिएशन ऑफ अनचेंज वेवलेंथ इन द स्कैटर्ड लाइट आर कॉल्ड अनमॉडिफाइड, ये हम लोग जानते हैं अनमॉडिफाइड रेडिएशन, बट द रेडिएशन ऑफ ग्रेटर वेवलेंथ आर कॉल्ड मॉडिफाइड रेडिएशन, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड कॉम्पटन इफेक्ट। जब वेवलेंथ रेडिएशन का रेडिएशन ऑफ अनचेंज वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड लाइट आर अनमोडिफाइड, और जब वेवलेंथ ज्यादा है तो उस रेडिएशन को बोल रहे हैं मॉडिफाइड रेडिएशन, इस फिनोमिना को बोल रहे हैं कॉम्पटन इफेक्ट। तो स्टेटमेंट क्या है,
statement of the Compton effect is given here. When a monochromatic beam of high frequency statement को ही हम लोग को लिखना है. Compton effect जब बोलेगा तो इस part को हम लोग लिख देंगे. The radiations of unchanged wavelength. जब कोई ये line हमारा clear होगा ये statement के बाद या इसका हम लोग details जब पढ़ेंगे उसके बाद. Just a minute, दो तीन लड़का आ रहा है. The radiations of unchanged wavelength in the scattered light are called unmodified radiation and the wavelengths greater are called modified radiation. This phenomena is called Compton effect. ये अभी clear होगा इधर से. Statement है, इसका statement को याद करना पड़ेगा, समझने से नहीं चलेगा. When a monochromatic light of अभी हम पढ़ रहे हैं, इसके बाद डायग्राम को देख के फिर इसको बताया जाएगा. When a monochromatic beam of high frequency radiation means जब हम लोग एक्सरे एंड गामा रे जब उन्होंने एक्सरे और गामा रे को लिया then it is scattered by a substance. The scattered radiations contain the radiations of lower frequency or greater wavelength along with the radiation of unchanged wavelength of frequency. ये स्टेटमेंट अभी हम यहां से क्लियर करेंगे इस डायग्राम के आधार पर. इस डायग्राम में पहले बोल रहे हैं फोटॉन्स मूव विद द ये फोटोन है, ठीक है. ये फोटोन जस्ट मिनट, दो तीन लड़का इन कर रहा है अजगर अली. फोटोन्स मूव विद द वेलोसिटी वी, सॉरी सी, हम लोग वेलोसिटी ऑफ लाइट हम लोग बोल रहे हैं सी. फोटोन्स मूव विद वेलोसिटी ऑफ लाइट सी पोसेस ए मोमेंटम. मोमेंटम द मोमेंटम ऑफ फोटोन इज एच म्यू डिवाइडेड बाई सी. मोमेंटम ऑफ फोटोन इज एच म्यू डिवाइडेड बाई सी मीन्स फोटोन जब एक फोटोन है फोटोन वेलोसिटी ऑफ लाइट से वो मूव कर रहा है एंड द मोमेंटम ऑफ फोटोन इज एच म्यू डिवाइडेड बाई सी एंड दिस फोटोन ओबे ऑल द लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम. वेन दे स्ट्राइक विथ इलेक्ट्रॉन्स बाय द स्केटरिंग सब्सटेंस. ये फोटोन है, दिस फोटोन इज मूव विथ द वेलोसिटी move with velocity of light c and it has hello sir bol rahe hain ye sare branch ke liye hai abhi. ha sabhi branch ke liye sir. to udhar hum log ka akash sir bhi link bhej diye hain abhi bsh wale group mein. akash sir bhi abhi 11:30 ka link bhej diye bsh wale group mein civil aur mechanical ke liye. extra class hai na wo खाली था इसीलिए हम इसमें इन किए हैं. तो आकाश सर किसमें ले रहे हैं, मैकेनिकल में? हाँ यस सर, मैकेनिकल और सिविल. मैकेनिकल और सिविल, यस सर. तो मैकेनिकल और सिविल निकल जाओ कल, फर्स्ट हाफ में तो क्लास है ना मेरा. यस सर, मैकेनिकल सिविल आराम से यहाँ से निकल जाओ इस क्लास से, ठीक है. कल फर्स्ट हाफ में है तो इसको हम रिपीट कर देंगे. एक्स्ट्रा क्लास था इसीलिए हम इसको ले रहे थे. चलो जो भी मैकेनिकल सिविल है निकल जाओ. ये फोटोन है. दिस फोटोन मूव विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट सी एंड इट हैज मोमेंटम एच म्यू डिवाइडेड बाय सी एंड दिस फोटोन ओबे ऑल द लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम. When they strikes with the electrons, electrons and electrons is at the rest position हम बोल रहे हैं. When they strikes with the electron by the scattering substance before collision, वो डायग्राम हमारा दिखा रहा है बिफोर कोलिजन. आफ्टर कोलिजन कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम हम लोग पढ़े होंगे 11 में. तो बिफोर कोलिजन में ये फोटोन मेरा इंटरेक्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन मेरा रेस्ट पोजिशन में है. नाउ The phenomena of scattering is
ड्यू टू ए कोलिजन बिटवीन टू पार्टिकल्स फोटोन ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एंड एन इलेक्ट्रॉन ऑफ स्कैटरिंग सब्सटेंस व्हेन ए फोटोन ऑफ एनर्जी एच म्यू कोलाइड विद द फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ द स्कैटरिंग सब्सटेंस when they are initially at rest then this photon transfers some of energy to the electron jab strike kiya to kuch energy ko electron mein wo transfer kar raha hai due to this energy this electron gains kinetic energy and recoils with the velocity v when a photon of energy fir se repeat kar raha hai when a photon of energy h mu collide with this free electron of scattering substance when they are at initially is at rest position it means photon transfer their energy to electron due to this energy the electrons gain kinetic energy and recoils with the velocity v jab electron photon se energy mera electron mein जब फोटोन इलेक्ट्रॉन से टकराया तो जब उस कंडीशन में जब इलेक्ट्रॉन इज एट रेस्ट कंडीशन तब क्या हो रहा है कि एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है फोटोन से इलेक्ट्रॉन में और उस एनर्जी के ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स गेन काइनेटिक एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन गेन काइनेटिक एनर्जी एंड रिक्वायर विद द वेलोसिटी वी तब उसमें वेलोसिटी भी जो है क्रिएट हो रहा है आफ्टर कोलिजन ये बिफोर कोलिजन था आफ्टर कोलिजन देखो यहाँ पर आफ्टर यही सेम कंडीशन को दिखा रहे स्कैटर्ड फोटोन रिक्वायर इलेक्ट्रॉन इट मेक्स एन एंगल थीटा विद दिस एक्स एक्सिस एंड हियर द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन मेक्स एन एंगल थीटा सॉरी इट ऑल्सो मेक्स एन एंगल हियर फाइव इन विद द एक्स एक्सिस after collision so we can say that after collision scattered photon this is scattered photon and recoil electron makes an angle theta phi scattered photon makes an angle phi with the x axis and recoil electron with the velocity v makes an angle theta ये मिस हो गया थीटा इसको याद रखना यहाँ थीटा होगा यहाँ फाई है यहाँ थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट लाइट जब फोटोन मेरा इंटरेक्ट हुआ इलेक्ट्रॉन से बिफोर कोलिजन तो इलेक्ट्रॉन इज एट रेस्ट कंडीशन आफ्टर स्ट्राइकिंग विद द इलेक्ट्रॉन फोटोन ट्रांसफर देयर एनर्जी टू इलेक्ट्रॉन दिस due to the transfer of energy electrons gains kinetic energy and it has its velocity means it's require it require the velocity v after collision the scattered photon and recoil electron makes an angle theta phi and theta with the x axis डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट सो इस डायग्राम के आधार पर ये जितना भी प्रोसेस हुआ इसके आधार पर कॉम्प्टन का जो एजम्पशन है क्या क्या वो एजम्प्ट किया अपना माइंड में लाया वो है कॉम्प्टन इफेक्ट इज ए रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ इंडिविजुअल फोटोन एंड फ्री इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट पहले वो बोल रहा है कि उसको रिजल्ट मिल रहा है कि इंटरेक्शन तब हो रहा है जब इंडिविजुअल फोटोन है एंड फ्री इलेक्ट्रॉन एंड बोथ आर इज इन एट द रेस्ट कंडीशन एंड द कोलिजन इज रिलेटिविस्टिक एंड इलास्टिक द कोलिजन इज रिलेटिविस्टिक एंड इलास्टिक रिलेटिवली है थर्ड पॉइंट उसको माइंड में आया The laws of conservation of linear momentum and energy hold good. Laws of conservation of linear momentum before collision and after collision, जिसको बोल रहे हैं
एंड एनर्जी होल्ड गुड, ये इसका तीन पॉइंट जो है उसका माइंड में आया। फर्स्ट चीज क्या है, जब फोटोन और इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट हो रहा है, जब इंडिविजुअल फोटोन एंड फ्री इलेक्ट्रॉन आर एट रेस्ट, देन दे इंटरेक्ट विद ईच अदर। सेकेंड क्या है, द कोलेशन इज रिलेटिविस्टिक एंड इलास्टिक, क्रशर को ध्यान दोगे, एंड द लॉज ऑफ दिस ओबे द लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड एनर्जी होल्ड गुड। तो बिफोर कोलिजन, ये बिफोर कोलिजन का केस है, आफ्टर कोलिजन का केस है। एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू, हम बोल रहे हैं एच म्यू, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन इज इक्वल टू ये इंसिडेंट फोटोन, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन इज इक्वल टू एच म्यू, एंड मोमेंटम ऑफ इंसिडेंट फोटोन इज इक्वल टू हम बोल सकते हैं एच म्यू डिवाइडेड बाई एच म्यू डिवाइडेड बाई सी, ये पार्ट है, ये एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू एच म्यू एंड मोमेंटम ऑफ इंसिडेंट फोटोन इज इक्वल टू एच म्यू डिवाइडेड बाई सी। एनर्जी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन व्हेन इज एट रेस्ट, एनर्जी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर, एम नॉट सी स्क्वायर, देखो एम नॉट सी स्क्वायर, एम नॉट क्या है, एम नॉट विद द रेस्ट मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन नहीं, रेस्ट मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन मेरा रेस्ट पोजिशन में है, एंड मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू हम बोलेंगे जीरो। इलेक्ट्रॉन का इस डायग्राम में मोमेंटम मेरा जीरो है। बिफोर कोलिशन आ गया, आफ्टर कोलिशन हम क्या बोल रहे हैं, एनर्जी ऑफ द स्कैटर्ड फोटोन इज सपोज एच म्यू के जगह यहाँ एच म्यू डैश होना चाहिए, ठीक है ना, यहाँ एच म्यू डैश होगा डैश, और मोमेंटम ऑफ द स्कैटर्ड फोटोन, ये सेम लैंग्वेज को लिखेंगे, एनर्जी ऑफ द स्कैटर्ड फोटोन सेकंड कंडीशन आफ्टर कोलिशन जो है वो डायग्राम को देखेंगे, तो वहां हम एच म्यू लिए, यहां पर बोल रहे हैं एच म्यू डैश, मोमेंटम ऑफ द स्कैटर्ड फोटोन एच म्यू डिवाइडेड बाय सी था, यहां बोल रहे हैं मोमेंटम ऑफ द स्कैटर्ड फोटोन एच म्यू डैश डिवाइडेड बाय सी। नाउ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हम क्या बोल रहे हैं बी, देखो तो यहाँ पर शो किए हैं बी, सॉरी एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, क्योंकि इसमें ये मूवमेंट है, ये रेस्ट कंडीशन में नहीं है, इट हैज सम काइनेटिक एनर्जी, सो इन दैट केस वी हैव से दैट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, मीन्स एम बी द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एम बी द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन इट मूव्स विद द वेलोसिटी वी। नाउ मोमेंटम ऑफ रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन वी कैन से मोमेंटम पी इक्वल टू एम इन टू वी, सो इन दैट केस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एम, हियर आई हैव रिटेन ऑलरेडी रिटेन मास, एम बी द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन स्मॉल एम, तो हियर एम, एम बी द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन टू वी, वी आफ्टर कोलिजन द इलेक्ट्रॉन गेन सम काइनेटिक एनर्जी, मीन्स इट मूव्स विद द वेलोसिटी वी, सो मोमेंटम ऑफ द रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन आफ्टर कोलिजन, मोमेंटम ऑफ द रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एम इन टू बी। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, ये पूछेगा एग्जाम में, हेलो मुस्कान अजय, यस सर, कहीं किसी को दिक्कत है इसमें, नो बिफोर कोलिजन, फिर से बोल रहे हैं टकराने से पहले, ये बिफोर कोलिशन, सभी बच्चा सब कहाँ गया जी, 16th ही दिख रहा है, बिफोर कोलिशन एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन इज इक्वल टू एच म्यू एंड मोमेंटम ऑफ दिस फोटोन इज इक्वल टू एच म्यू डिवाइडेड बाय सी, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज एट द रेस्ट कंडीशन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर, एम नॉट इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकॉज रेस्ट मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू जीरो फॉर फिगर ए बिफोर कोलिशन, आफ्टर कोलिशन
एनर्जी ऑफ द स्कैटर्ड फोटोन, दिस द एनर्जी ऑफ द स्कैटर्ड फोटोन इज इक्वल टू एच म्यू डैश एंड मोमेंटम ऑफ द स्कैटर्ड फोटोन वी कैन राइट एच म्यू डैश डिवाइडेड बाय सी. एनर्जी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, एम बी द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन व्हेन इट मूव्स विद द वेलोसिटी वी एंड मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन. हम लोग यहाँ क्या बोल रहे हैं, एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एम सी स्क्वायर, एम मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं क्योंकि वी वेलोसिटी के साथ ये मूव कर रहा है आफ्टर कोलिशन. मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन एम इंटू वी, पी इक्वल टू एम इंटू वी, मोमेंटम इज इक्वल टू एम इंटू वी होता है. तो एम एम मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन मेरा एम है और वी वेलोसिटी के साथ ये मूव कर रहा है एम इंटू वी. नाउ द एनर्जी ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलेशन, एनर्जी ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलेशन इसके बारे में बोलेंगे, इज इक्वल टू एच म्यू प्लस एम नॉट सी स्क्वायर, एच म्यू प्लस एम नॉट सी स्क्वायर बिफोर कोलेशन. ये पार्ट एच म्यू प्लस एम नॉट सी स्क्वायर. सिमिलरली वी हैव राइट द एनर्जी ऑफ सिस्टम आफ्टर कोलेशन, ये आफ्टर कोलेशन इज इक्वल टू क्या बोलेंगे, एच म्यू डैश प्लस एम सी स्क्वायर, एच म्यू डैश प्लस एम सी स्क्वायर. एनर्जी ऑफ सिस्टम बिफोर कोलेशन इज इक्वल टू एनर्जी हो गया क्या एच म्यू प्लस ये एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ फोटोन आ गया एच म्यू, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया एम नॉट सी स्क्वायर. तो बिफोर कोलेशन एनर्जी ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलेशन वी कैन राइट, सिर्फ एनर्जी को हम करेंगे वी हैव टेकन ओनली एनर्जी ऑफ फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन. सो इन दिस केस एनर्जी ऑफ फोटोन इज एच म्यू एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एम नॉट सी स्क्वायर. सिमिलरली आफ्टर कोलेशन द एनर्जी ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलेशन वी कैन राइट एच म्यू डैश बी द एनर्जी ऑफ स्कैटर्ड फोटोन एंड एम सी स्क्वायर बी द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन आफ्टर कोलेशन. सो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एनर्जी ऑफ सिस्टम बिफोर कोलेशन इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ सिस्टम आफ्टर कोलेशन बोल सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का रूल के आधार पर. तो बिफोर कोलेशन का पार्ट को लेफ्ट साइड में लिखे, आफ्टर कोलेशन का पार्ट को एनर्जी ऑफ द सिस्टम राइट साइड में. तो एच म्यू प्लस एम नॉट सी स्क्वायर इक्वल टू एच म्यू डैश प्लस एम सी स्क्वायर, सजाएंगे इसको, मीन्स एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, एच म्यू माइनस एच म्यू डैश प्लस एम नॉट सी स्क्वायर. इसको सजा करके लिखे. इक्वेशन टू, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट फोटोन, जस्ट अ मिनट, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फोटो, डायरेक्शन ऑफ फोटो अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज इक्वल टू यहां पर मेरा क्या दिया हुआ, मोमेंटम ऑफ इंसिडेंट फोटोन बिफोर कोलिशन एच सी डिवाइडेड बाई ए सॉरी एच म्यू डिवाइडेड बाई सी प्लस मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन मेरा क्या दिया हुआ है, जीरो. जैसे हम लोग बिफोर कोलिशन एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन प्लस एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ स्कैटर्ड फोटोन प्लस एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की है. सिमिलरली हम लोग इस पार्ट को करेंगे बिफोर कोलिशन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के आधार पर अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट फोटोन वी कैन राइट दिस मोमेंट ऑफ बिफोर कोलिशन मोमेंटम ऑफ इंसिडेंट फोटोन एच मी प्लस जीरो इज इक्वल टू दिस एच म्यू डैश एंड वेलोसिटी
सॉरी मोमेंटम ऑफ द रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन इज एम बी मीन्स हियर यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है जब हम इसका केस को ले रहे हैं मोमेंटम ऑफ स्कैटर्ड फोटो तो ये एंगल बना रहा मेरा हमारा फाई और इलेक्ट्रॉन ये एंगल बना रहा मेरा थीटा यहाँ देखो तो स्कैटर्ड फोटो एंगल बना रहा है मेरा फाई और इलेक्ट्रॉन मेरा एंगल बना रहा है क्या थीटा या थीटा होगा तो इस केस में यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे एच म्यू डिवाइडेड बाय सी प्लस जीरो इज इक्वल टू एच म्यू डेस कॉस फाई इस एंगल में यहां पर कॉस फाई ये है बी बाई एच तो ये कॉस फाई तो ये पार्ट मेरा आ जाएगा कॉस फाई ये आ जाएगा कॉस थीटा बी बाई एच दोनों ही केस में तो अब एच म्यू प्लस सी इज इक्वल टू एच म्यू डेस कॉस फाई प्लस एम बी कॉस थीटा कब ले रहे हैं एक्स एक्सिस जब हम चूज कर रहे हैं उस केस में एक्स एक्सिस जब चूज कर रहे हैं उस केस में यहां पर जैसे हम लोग किए हैं ये पार्ट को ठीक उसी तरह हम लोग अब ले रहे हैं इस पार्ट मींस एच म्यू डिवाइडेड बाय सी ये क्या है मोमेंटम ऑफ इंसिडेंट फोटोन प्लस मोमेंटम ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ स्कैटर्ड फोटोन प्लस मोमेंटम ऑफ रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन तो मोमेंटम ऑफ इंसिडेंट फोटोन ये है cos phi it makes an angle phi with the x axis and required velocity makes an angle theta with the along x axis so we can write here this part or mv ye mv lcm isko solve kiya gaya solve karne par mvc cos theta direct likhe is equal to h mu minus ye idhar aaya h mu dash cos theta इक्वेशन थ्री ये तब हो रहा है जब हम लोग एक्स एक्सिस ले रहे हैं जब हम लोग वाई एक्सिस के बारे में बात करेंगे इस डायग्राम के आधार पर वाई एक्सिस के बारे में जब बात कर रहे हैं तो यहां पर मेरा क्या आ जाएगा साइन फाई और यहां पर मेरा आ जाएगा साइन थीटा अलोंग वाई एक्सिस तो इस केस में अब हम लोग बोलेंगे ये जीरो जीरो इक्वल टू एच म्यू डेस डिवाइडेड बाय सी साइन फाई माइनस एम बी साइन थीटा अलोंग वाई एक्सिस इक्वल टू जीरो इक्वल टू एलसीएम गया ये पार्ट आ गया एच म्यू डेस साइन फाई माइनस एम बी सी साइन थीटा अब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो क्या रहा है सी इंटू जीरो इक्वल टू जीरो ये पार्ट आ जाएगा तो एम बी साइन थीटा इज इक्वल टू ये इक्वल टू का इधर आएगा तो माइनस कन्वर्ट होगा प्लस में एम बी साइन थीटा सॉरी एम बी सी साइन थीटा इज इक्वल टू एच म्यू साइन फाई इक्वेशन फोर सो स्क्वायरिंग बोथ द इक्वेशन थ्री एंड फोर आफ्टर दैट इट विल बी एडिंग स्क्वायरिंग किए हैं फिर एड किए हैं स्क्वायर किए तो एम बी स्क्वायर एम स्क्वायर वी स्क्वायर c स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 mb स्क्वायर m स्क्वायर v स्क्वायर c स्क्वायर इनटू 1 इज इक्वल टू कितना ही रहेगा इक्वल टू ये पार्ट मेरा जो आया है इस पार्ट को हम लिख दिए h म्यू माइनस h म्यू डैश cos phi होल स्क्वायर स्क्वायरिंग की है ना प्लस देन एडिंग इक्वेशन फोर में मेरा क्या है एच म्यू राइट साइड में एच म्यू डैश साइन फाई होल स्क्वायर अब एम बी स्क्वायर इसको सॉल्व करते गए एम बी स्क्वायर सॉरी एम स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर ये पार्ट आया प्लस ये पार्ट आ गया और एम स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कॉमन गया एच स्क्वायर रेस्ट पार्ट मेरा जो है ये पार्ट बच गया यहां मेरा ये एच स्क्वायर म्यू डैश स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर फाइव प्लस एच स्क्वायर म्यू डैश स्क्वायर
साइन स्क्वायर फाइव मीन्स यहाँ पर क्या आ जाएगा वन कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव इज इक्वल टू वन। तो ये इसको जब सॉल्व किया गया तो इक्वेशन फाइव आया। अब स्क्वायरिंग इक्वेशन टू, ये इक्वेशन टू है ये पार्ट एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच म्यू माइनस एच म्यू डेस प्लस एम नॉट सी स्क्वायर, इसको स्क्वायरिंग किया गया। तो स्क्वायरिंग करने पर यहाँ पर एम स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि एम सी स्क्वायर था वहाँ स्क्वायरिंग किए एम स्क्वायर सी टू दी पावर फोर इज इक्वल टू इक्वेशन टू। इक्वेशन टू जस्ट ए मिनट एक फोन आ रहा है। हेलो हाँ गुड आफ्टरनून बोलो। मैकेनिकल सिविल मत आओ इसमें, मैकेनिकल सिविल नहीं आओ। हाँ ठीक है अभी हम क्लास में हैं ठीक, मैकेनिकल सिविल छोड़ दो। हाँ हेलो आवाज जा रही है। हेलो अजय। अजय यस सर। अच्छा स्क्वायरिंग इक्वेशन टू, तो इक्वेशन टू में मेरा एम सी स्क्वायर था एम स्क्वायर सी टू दी पावर फोर इज इक्वल टू राइट साइड में इक्वेशन टू, इक्वेशन टू में था एच म्यू माइनस एच म्यू डेस प्लस एम नॉट सी स्क्वायर, इसको हम इस रूप में लिख दिए इक्वेशन सिक्स। अब सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन फाइव फ्रॉम सिक्स तो एम सी एम स्क्वायर सी टू दी पावर फोर माइनस इक्वेशन फाइव को यहां पर लिख दिए। अब इक्वल टू का इक्वल टू इसका वैल्यू को पूरा को यहां पर इस तरह नोट किए, नोट करने के बाद इसको सॉल्व किया गया। सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं एम स्क्वायर सी टू दी पावर फोर इसका वैल्यू के साथ इसको सब्सट्रैक्ट करने के बाद रेस्ट जो पार्ट आ रहा है वो आएगा इक्वेशन सेवन। अब हम लोग अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वी नो दैट, ये शायद तुम लोग नहीं पढ़ा है, अभी हम पढ़ाएंगे इसके बाद, इसके जस्ट बाद जो है यही चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी होता है एम इज इक्वल टू एम नॉट रूट अंडर वन माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये होता है। तो अब इसके आधार पर एम का वैल्यू को हम लोग इस इक्वेशन में इक्वेशन सेवन का लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ हमारा एम स्क्वायर है ठीक है। तो एम का यहाँ हमारा अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से एम इज इक्वल टू इतना होता है। तो एम का इस वैल्यू को इक्वेशन सेवन का लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे तो एम स्क्वायर सी टू दी पावर फोर माइनस एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर, तो यहां पर आएगा एम नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहां पर डिवाइडेड बाय रूट अंडर वन माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, तो यहाँ होल स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा सी टू दी पावर फोर माइनस एम स्क्वायर, तो एम स्क्वायर फिर यहाँ पर वही पार्ट आएगा एम नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये रूट अंडर हट जाएगा वन माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर इंटू ये रेस्ट पार्ट बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, यहाँ तक आया। नेक्स्ट इसको आगे की ओर फिर बढ़ाएंगे और एम स्क्वायर सी टू दी पावर फोर माइनस एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू अब यहां मेरा कॉमन क्या जाएगा एम नॉट सी स्क्वायर और यहां पर सी टू दी पावर फोर है यहां सी स्क्वायर है तो यहां मेरा कॉमन क्या जाएगा सी स्क्वायर एम नॉट स्क्वायर सी एम नॉट स्क्वायर सी टू दी पावर फोर यहां गलती से लिखा गया तो यहां पर पार्ट आया मेरा एम नॉट स्क्वायर सी टू दी पावर फोर रेस्ट पार्ट जो बच रहा है वन डिवाइडेड बाय ये पार्ट बच रहा है वन माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर और यहां ये मेरा कैंसिल हो जाएगा तो यहां मेरा बच रहा है बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर वन माइनस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। अब एम स्क्वायर सी टू दी पावर फोर माइनस एम स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू ये पार्ट एम नॉट स्क्वायर सी टू दी पावर फोर इसको
सॉल्व लिया किया गया, सॉल्व करने पर ये पार्ट आ रहा मीन्स वन माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई वन माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया और एम स्क्वायर सी टू दी पावर फोर माइनस एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर सी टू दी पावर फोर इक्वेशन एट। ये एक बार में समझ में नहीं आएगा। अब इक्वेशन एट और इक्वेशन सेवन दोनों में ही देखो लेफ्ट साइड में इन बोथ द इक्वेशन एम स्क्वायर सी टू दी पावर फोर माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर आर गिवेन इन बोथ द इक्वेशन मीन सेवन और एट, सेवन और एट में देखो यहां भी दिया है लेफ्ट हैंड साइड और सेवन में भी लेफ्ट हैंड साइड में ये पार्ट दिया हुआ। सो इक्वेटिंग इक्वेशन सेवन एंड एट, इक्वेटिंग इक्वेशन एट एंड सेवन, इक्वेशन सेवन का वैल्यू को यहां पर हम पुट कर दिए, ये पार्ट यहां पर आ गया, सॉरी इक्वेशन एट पहले एम नॉट स्क्वायर सी टू दी पावर फोर इज इक्वल टू इक्वेशन सेवन, इक्वेशन सेवन का वैल्यू मेरा है यहां पर ये पार्ट दिया हुआ है टू एच स्क्वायर म्यू म्यू नॉट कॉस फाइव माइनस वन, ये पार्ट को हम यहां पर पूरा उतार दिए। अब इसको सॉल्व किया जा रहा, सॉल्व करने पर टू टू एच म्यू नॉट म्यू माइनस म्यू डेस ये इज इक्वल टू टू एच, ये कैंसिल हो जाएगा ना एम नॉट स्क्वायर सी टू दी पावर फोर, ये जब कैंसिल हो गया तो बच गया मेरा ये पार्ट और ये पार्ट टू एच स्क्वायर म्यू म्यू डैश कॉस फाइव माइनस वन इज इक्वल टू टू एच एम नॉट सी स्क्वायर म्यू माइनस म्यू डैश, इसको हम सजा करके लिख दिए हैं, ये पार्ट इधर आ गया और टू एच म्यू म्यू डैश इन टू कॉस फाइव माइनस वन ये यहाँ पर आ गया राइट साइड में टू एच टू एच टू, यहाँ टू एच है यहाँ टू एच स्क्वायर है वन एच कैंसिल हो गया रेस्ट मेरा एच बच गया यहाँ पर, तो म्यू माइनस म्यू डैश डिवाइडेड बाई दिस म्यू इन टू म्यू डैश इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई ये माइनस एच होगा माइनस या माइनस दिया हुआ माइनस एच डिवाइडेड बाई एम नॉट सी स्क्वायर वन माइनस कॉस पाई। अब इसको हम सजा करके लिख सकते हैं वन बाय म्यू डैश माइनस वन बाय म्यू, तभी तो आएगा एलसीएम लेंगे म्यू म्यू डैश इज इक्वल टू यहाँ आ जाएगा म्यू माइनस म्यू डैश, इसको इस रूप में सजा करके लिखे इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई एम नॉट सी स्क्वायर वन माइनस कॉस फाइव इक्वेशन नाइन। हम लोग वेवलेंथ फॉर वेवलेंथ लोग जानते हैं सर, पहले स्टेप में तो कॉस फाइव माइनस वन है ना ये सर इक्वेशन नाइन के पहले में ठीक है देख लेना कैलकुलेशन पार्ट में हम तो अड़बड़ा के कर रहे थे ना कॉस फाइव माइनस वन यहाँ पर और नेक्स्ट क्लास में इसको क्लियर करेंगे एक दिन में नहीं होगा बहुत लंबा है ना ये लेकिन पूछेगा एग्जाम में कॉम्पटन इफेक्ट कॉम्पटन सिप ये पूछना ही है इसलिए एक दिन में ये नहीं होगा। अब हम लोग जानते हैं म्यू इज इक्वल टू वेवलेंथ फॉर वेवलेंथ म्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा तो म्यू डैश इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा डैश और म्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा तो चेंज इन वेवलेंथ हम लोग बोल सकते हैं डेल्टा डेल्टा लैम्डा चेंज इन वेवलेंथ चूंकि हियर देयर आर टू वेवलेंथ गिवन हियर सो इन दैट केस चेंज इन लैम्डा डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा म्यू डैश लैम्डा डैश माइनस लैम्डा यहां लिख सकते हैं तो लैम्डा डैश